हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। खबर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी ने अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्रावधिक सहायक ग्रुप सी सामान्य चयन की प्रतियोगिता परीक्षा 2018 का परिणाम जारी कर दिया है। ये वही रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, ये वही नोटिस है जो यूपी ट्रिपल एससी ने अभी थोड़ी देर पहले जारी किया था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नोटिस के अनुसार इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 19 फरवरी 2019 को किया गया था। इसमें जैसा लिखा हुआ है जेरा 19 फरवरी 2019 को आयोजित की गई थी इसकी लिखित परीक्षा, उसी के आधार पर ये रिजल्ट जारी किया गया है। प्रावधिक सहायक ग्रुप सी के 2059 पदों में अनारक्षित 1031, अनुसूचित जाति 432, ये रहा आप देख सकते हैं, ये रहा लिखा हुआ है, वहीं अनुसूचित जनजाति 41 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 555 पद निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ, पूरा ब्यौरा दिया है, ये रहा आप देख सकते हैं, ये वही रिजल्ट है जो यूपी ट्रिपल एससी ने अभी थोड़ी देर पहले ही जारी किया है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, वरना हमने इसका रिजल्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से अपना डाउनलोड करके रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये खबर थी यूपी ट्रिपल एससी से। इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।